मैं तो अपना मैं। फोन बंद करो पहले यहाँ ध्यान दो हाँ और वहां एमसी लगा क्या हो गया और ये वाले लीक को कौन देखेगा अरे वही देखेगा उसको आता है पैसे ले रहा है फ्री में नहीं कर रहा था कर लेगा वो।

जी हाँ हमें बचपन भी भी याद आ जाता है जब हम लोग अक्सर छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई कर लेते हैं और ऐसे ही नोकझोंक होती है ट्रिवियल मैटर्स पे तो आज का हमारा दो वर्ड है आज मैं दो वर्ड करा रहा हूं और उसका कुछ खास कारण है आपको दिखाऊंगा आज का जो वर्ड है जो अभी आपने क्लिपिंग देखी वो मेरा वर्ड है हाँ जी आज का हमारा कौन सा वर्ड है स्क्वेबल आज हम स्क्वेबल के बारे में पढ़ेंगे तो ये वर्ड एक्चुअली क्या है इसके मतलब क्या है और कैसे हम याद करेंगे ये देखेंगे मूवी क्लिप तो आपने देखी ये नाउन है जिसका मतलब है एक नॉइजी क्वारल अबाउट समथिंग ट्रिवियल फ्रेकैस जब पढ़ा था वो भी क्रॉरल और ब्रॉल थी पर ये बस छोटी बेतुकी बातों पे हम लड़ाई कर लेते हैं और कई ये बार ये लड़ाइया बहुत बड़ा रूप ले लेती है याद कैसे करेंगे हाँ जी हमारे ने square, square ले लिया और हमने बॉल ले लिया squabble. और देखो बच्चे बस छोटी सी बॉल के लिए लड़ रहे आइए हम अपनी एनिमेशन देखते हैं Word, scroll, mean. I

Perennial, मतलब, continuously जो हिट होता है वहां पर लड़ाई चल रही है कि कौन बनेगा क्या नहीं और कांग्रेस इसकी वजह से वर्ड है अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर फ्रेशन सी एम एन दिल सो स्क् का आपको मतलब पता चल गया और यूसेज भी तो जो वर्ड स्क्स वेर स्क्वे बॉल Squabble. Squabble मतलब छोटी छोटी बातों पर लड़ लेना राइट right, जी इसके सिनानियम्स है बिकर बिकर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं आपको याद भी कराऊंगा टिफ आर्ग्यूमेंट कॉरल ये सब सिनानियम्स है और एंटीनियम है कॉन्फ्रेंस हारमनी एग्रीमेंट पीस चलिए अब मैं आपको अगला वर्ड भी दिखाता हूं और इन दोनों के यूसेज एक न्यूज क्लिपिंग से देखिए अगली क्लिपिंग और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हेलो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कोवेत में रहे इंडियंस के सिचुएशन के बारे में बात करनी थी वी नीड हेल्प एंड वी नीड इट राइट नाउ हाँ जी थोड़ी सीरियस सी थी कौन सा वर्ड आता है आज हम जो वर्ड कर रहे हैं इसके अब दो मतलब हैं और दोनों वर्ड आज मैं आपको खास कराऊंगा है मेरा आज का वर्ड जो हम कर रहे हैं यस जो अ नाउन राइट इसका मतलब एक तो होता है लार्ज मेटल पॉट जो हम कंटेनर यूज करते हैं विद ए लिड एंड हैंडल यूज फॉर कुकिंग ओवर एन ओपन फायर ठीक है खाना बनाने के लिए दूसरी जो है इस सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय इनस्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस जहां स्टेबिलिटी नहीं रहती उसको हम कहते हैं कॉल ड्रॉन तो इस कॉल ड्रॉन को हम कैसे याद करेंगे हाँ जी कॉल ठीक है बच्चे की बात है बच्चा कॉल कर रहा है भाई कि ड्रॉन चाहिए ठीक है कॉल प्लस ड्रॉन तो इसका सब्सटीट्यूट कॉल प्लस ड्रॉन है और आइए मैं आपको अपनी एनिमेशन दिखाता हूं फिर इसका करेंगे और आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए हाँ जी देखा आपने कि कैसे कॉल किया गिर गया था और ड्रोन मंगाया अनस्टेबल हो गया था सो so, कॉल ड्रोन और वो पॉट पे गिरा तो दोनों ही मतलब आपको सामने आ गए और यस पहला यूसेज है ओलंपिक कॉल ड्रोन वेसल होता है इग्नाइडेड इन जापान अमित कंसर्न्स ओवर कोरोना वायरस ये देखिए इसको इग्नाइट किया गया विद अ फ्लेम कैरेट फ्रॉम ग्रीस विद ऑफिशियल्स एंड टोक्यो और यहां पे गेम्स होने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग अब हम बातें भी इनके बारे में करेंगे तो ये कॉल्ड्रॉन है दूसरा यूसेज देखिए लद्दाख एलएसी मैंने सिचुएशन कहा था ऑन बॉइल इंडिया मस्ट अवॉइड स्टेरिंग गिलगिट बैलिस्तन कॉल्ड्रॉन विद पाकिस्तान इन्होंने नया बनाया है बालिस्तान में पाकिस्तान ने तो इसमें है कि अगर हम अननेसेसरी घुसेंगे तो हमारे लिए भी दिक्कत हो सकती है तो

मैनमारोन तो वहां पे सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई और प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं अनस्टेबल, ठीक है? तो वहां को अरेस्ट कर लिया गया जो प्रेसिडेंट थी एंड देन द है मायनमारोन कॉलड्रॉन का मतलब एक तो पॉट होता है और एक अनस्टेबल सिचुएशन ठीक है तो अनस्टेबल डेंजरस और ये और मैं क्यों दोनों वर्ड आज ले रहा हूं अभी आपको इसका बताता हूं स्टेबल पीसफुल स्मूथ पीस और ये सारी चीजें होती है तो ये सिनोनियम्स हो गए समथिंग वेरी डेंजरस या ये कंटेनर एंड रेस्ट ये बाकी अब मैं आपको आगे दिखाता न्यूज पेपर की एक खबर थी इंटरनल स्क्वेबल विद इन बंगाल बीजेपी राइजेस आफ्टर इलेक्शन लॉड और इसमें कॉलड्रॉन का भी यूज हुआ था ये दिलीप घोष साहब हैं और न्यूज पढ़िए दिलिप टू मीट बीजेपी चीफ अमिड वेस्ट बेंगाल डिस इंक्रीजिंग देखिए इन बेंगाल बीजेपी मीडिया आज कल आ रहे हैं हैव मेड टेक नोट ऑफ बंगाल देखिए जब तक दोनों का मतलब नहीं होगा ये न्यूज पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा समझ में आया कि वहां पर लड़ाइयां चल रही हैं छोटी बातों पे जिसके वजह से बंगाल में सिचुएशन थोड़ी अनस्टेबल हो गई दोनों न्यूज पेपर की खबर है और ये यूसेज था और तब आपको न्यूज समझ में आएगी कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो आई है लाइक सब्सक्राइब एंड वेलकम आउट विद मोर सच वीडियोज बाय बाय दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू